नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं footprint.in। बिहार में CTET और BTET अभ्यर्थियों की ओर से लगातार प्रदर्शन के बाद भी सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अभ्यर्थी नोटिफिकेशन के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज तक हो चुका है, लेकिन उन्हें मिल रहा है तो केवल आश्वासन। इस दौरान गाना गाकर शिक्षक अभ्यर्थी सरकार को जगा रहे हैं। एक बार आप भी सुनिए अभ्यर्थियों द्वारा गाया गया वो गाना। कि ये कैसी सरकार, बेरोजगार हुए हम, ये कैसी सरकार, बेरोजगार हुए हम, है नौकरी के आस में बेकार हुए हम, है नौकरी के आस में बेकार हुए हम। 3 साल से हम लोग जा रहे हैं सचिवालय, मंत्रालय, विभागालय, सचिवालय, उस पर मैं 2 लाइन कहूंगा कि सचिवालय जा जा करके अभ्यर्थी हैं लाचार, शिक्षा मंत्री जी का आश्वासन है बेकार, तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए। बता दें कि आज जनशक्ति भवन में धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने गाना गाकर सरकार पर तंज कसा है। अभ्यर्थियों ने गाने में कहा है कि ये कैसी सरकार, बेरोजगार हुए हम, नौकरी की आस में बेकार हुए हम। इसी गाने के साथ ही अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। बता दें कि कल शिक्षक दिवस के दिन गांधी मैदान में सातवें चरण की बहाली की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया था, लेकिन पुलिस ने अभ्यर्थियों को गांधी मैदान से निकलने ही नहीं दिया। देर रात गांधी मैदान से पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं आज जनशक्ति भवन में छात्रों द्वारा विरोध किया जा रहा है और गिरफ्तार छात्रों को छोड़ने की मांग की जा रही है। बता दें कि 12 घंटे बाद भी शिक्षक अभ्यर्थियों को मुक्त नहीं किया गया है। वहीं 20 अभ्यर्थियों को गांधी मैदान थाने में रखा गया है। आपको यह भी बता दें कि प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी 3 साल पहले ही क्वालिफाई हो चुके हैं और सरकार की ओर से अभी तक बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। कि ये कैसी सरकार, बेरोजगार हुए हम, ये कैसी सरकार, बेरोजगार हुए हम, है नौकरी के आस में बेकार हुए हम, है नौकरी के आस में बेकार हुए हम। 3 साल से हम लोग जा रहे हैं सचिवालय, मंत्रालय, विभागालय, सचिवालय, उस पर मैं 2 लाइन कहूंगा कि सचिवालय जा जा करके अभ्यर्थी हैं लाचार, शिक्षा मंत्री जी का आश्वासन है बेकार, तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए। लाइक दबाना ना भूलें।